साउथ एक्टर थालापति विजय ने अपने पापा AS चंद्रशेखर और मां शोभा सहित 11 लोगों पर सिविल केस दर्ज कराया है। शहर की एक अदालत में दायरा मुकदमे में कहा गया है कि किसी भी लोगों को इकट्ठा करने और किसी तरह की मीटिंग करने के लिए विजय का नाम इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। 27 सितंबर को मामले में सुनवाई होगी। दिक्कत तब शुरू हुई जब विजय के पापा AS चंद्रशेखर ने दावा किया कि विजय को राजनीति में आना चाहिए और इसके लिए उन्होंने विजय के नाम से पार्टी रजिस्टर करने का कदम भी उठाया। विजय के पिता ने अनाउंस किया कि शोभा पार्टी की प्रेसिडेंट और विजय के पिता पार्टी के जनरल सेक्रेटरी होंगे। अब विजय ने स्टेटमेंट जारी करते हुए कहा कि उन्होंने ऐसी किसी भी पार्टी को शुरू करने के लिए सहमति नहीं दी और 11 लोगों के खिलाफ मुकदमा दायर किया ताकि उन्हें बैठकें आयोजित करने या भीड़ इकट्ठा करने के लिए अपने नाम यानी कि विजय का नाम इस्तेमाल करने से रोका जा सके। इससे पहले विजय अपनी लग्जरी कार के टैक्स को लेकर खबरों में आए थे। विजय पर आरोप था कि लंदन में मंगवाई गई कार के लिए उन्होंने टैक्स अदा नहीं किया था। विजय ने 2013 में रोल्स रॉयस घोस्ट कार मंगवाई थी। मद्रास हाईकोर्ट ने उन पर 1,00,000 का जुर्माना लगाया था। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए NCS न्यूज़। धन्यवाद।